जय जिनेन, जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में जो छोटी सी बच्ची है जरूर, लेकिन शख्सियत मुझे लगता है कि बड़ी है। नाम उसका है खुशी जयश्री। जयश्री उसको टाइटल मिला हुआ है, माँ के नाम से अपना श्री जोड़ा है उसने। और खुशी ने एक अच्छी कहावत कही अंग्रेजी की कि स्माइल डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग। मतलब कोई भी चीज़ की स्माइल करने में कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन दूसरों की भावना अच्छी लगती है। खुशी भरतनाट्यम की मास्टर डिग्री खैरागढ़ से ली है आपने, और एक अच्छा काम जो खुशी ने किया है वो नेत्रहीन जो बच्चे हैं, दिव्यांग कहते हैं हम लोग सब उनको, उनको डांस की ट्रेनिंग दे रही है। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि भी है। और डिफरेंट जो हम लोग करते हैं जीवन में कि नए नए लोगों से बातचीत करना और नए नए विचार लेके आना, और क्या कुछ समाज में नया कुछ घटित हो रहा है जिसकी अनुमोदना करना चाहिए, तो खुशी आपका बहुत स्वागत है। और इसके लिए अनुमोदना भी है आपकी कि प्रशंसा भी करते हैं। क्या कुछ कहेंगे ये जो डांस की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे मन में आया? शुरुआत ऐसी थी कि मम्मी को बचपन से देखते आ रहे हैं, मतलब हम छोटे थे और मम्मी सबके लिए काम करती थी, तो एक मन में एक वहाँ से जागा कि हाँ, हम मम्मी के साथ पहले तो जाते थे, देखते थे, और वहाँ पे जब लेडीज़ को देखा तब ऐसा लगा कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए। मैं मेरी फील्ड जो मेरी भरतनाट्यम नृत्य की फील्ड है उसके उसको लेते हुए मैं कहीं उनकी मदद कर सकूँ, तो एक कोशिश वहाँ से मेरी चालू हुई। और चालू करते करते मैं एक मैम ने मुझे कांटेक्ट किया कि बेटा ऐसा ऐसा है कि बच्चे नेत्रहीन हैं, दिव्यांग कहते हैं हम उन्हें, लेकिन ऐसा है ना, दिव्य अंग से प्राप्ति है उनको, तो उनको ये नहीं बोलेंगे कि वो एक वो गॉड का गिफ्ट है उनके पास। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा इनको डांस सिखाना है, तो बिना सोचे समझे पहले हाँ बोल दिया मैंने कि हाँ। एक तो एक बोलना चाहिए ना कि जिस मौके की तलाश थी वो मौका मेरे सामने आके आ गया, तो कोशिश किया, तो वहाँ पे बच्चों को जाके सिखाया। और हम जितना जो हम नॉर्मल बोलते हैं हम अपने आप को, जितना टाइम हम सीखने में लगाते हैं उससे आधा टाइम वो सीखने में लगाते हैं। बस देरी उनकी पास ये होती है कि हमको उन्हें पकड़ के ले जाना होता है जिस भी जगह पे उनको पोजीशन। अब ऐसा है कि इसी हिसाब से मुझे कोरियोग्राफी भी करनी होती है। मैं क्या, जो भी कोरियोग्राफर होते हैं वो एक लोगों को देख के वहाँ जो बच्चे कर सकते हैं, जो भी कोई है उनको उनके हिसाब से कोरियोग्राफ करते हैं, तो बस उनको ले जाना था। और वहाँ पे बस उनको बताना है कि बेटा अब दो स्टेप्स राइट चाहिए, दो स्टेप्स लेफ्ट चाहिए, या अपनी जगह से सर्कल लीजिए। वो बस उनको एक डायरेक्शन का एक नॉलेज देना बस एक टास्क था। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगा, कि ऐसा नहीं था कि एकदम जल्दी से हो गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल आई क्योंकि उस समय मैं छोटी भी थी, बहुत छोटी थी तब मैंने किया था, तो मुश्किलें आई, लेकिन ऐसा था कि नहीं, कुछ तो करना है। हम नॉर्मली सबको सिखाते हैं, तो अब कोशिश करना है कि इन बच्चों के लिए भी कुछ करें, तो वहीं से चालू किया। और साथ में ही एक जो ऑर्गेनाइजेशन है डोनेट थोड़ा सा, उनके साथ पे भी मैं जुड़ी हुई हूँ। जो बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके साथ में जुड़ के उनके लिए काम करना, जैसा सर बोले कि स्माइल कॉस्ट्स नथिंग, मतलब वो कुछ कीमत नहीं रखता, बट इट गिव्स एवरीथिंग, वो सब कुछ देता है। तो बस एक छोटी सी स्माइल हो हमारे पास, एक ऑर्नामेंट्स में हम कितना सारी चीज़ें पहनते हैं, लेकिन एक जब स्माइल मिसिंग होती है तब सब कुछ मिसिंग होता है। तो एक जैसे हमारे आभूषण है उसी तरह हमारी एक स्माइल है, और हम उसको जितने लोगों तक पहुंचा सके, हमारी कोशिश है कि हम उतने लोगों को पहुंचाएं। खुशी, जैसा कि नाम है उस नाम को आप सार्थक कर रहे हो कि स्माइल डज नॉट कॉस्ट गिफ्ट्स एवरीथिंग, मतलब सब चीज़ मिलती है कि इसकी कीमत कुछ नहीं है, लेकिन आप दूसरे की खुशी भी लगा सकते हैं। खुशी, और क्या कुछ मन में आता है कि और क्या बेहतर करना है जीवन में आगे? जैसा मैं क्लासिकल ट्रेनिंग में, मैंने क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम में आगे, ऐसा नहीं है कि बाकी डांसेस नहीं करना चाहिए, मगर जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हमें वर्सिटैलिटी तो पकड़ के चलनी है, लेकिन जब हम अपनी मिट्टी से जुड़ के रहते हैं तब उसका रंग अलग होता है। तो हमें अपनी बस एक संस्कृति है हमारी, उससे जुड़ के आगे बढ़ाना है बच्चों को कि आप वेस्टर्न डांस तो करिए,
बिल्कुल करिए, मगर साथ में आपकी जो संस्कृति है, कोई भी क्लासिकल, चाहे भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, कथक, कोई भी प्रांत का हो, आप उस क्लासिकल का ट्रेनिंग जरूर लीजिए। क्या होता है अगर खुशी, अगर सामान्य मैं बात करूं कि भरतनाट्यम किस मतलब ग्रंथ या क्या वर्णन है जिसके अंदर में भरतनाट्यम होता क्या है? भरतनाट्यम भाव, राग और ताल, जो भारत है, हमारा देश भारत, भारत, इसे भाव, राग और ताल से बताया जाता है। पर साथ में ही जब इसकी शुरुआत हुई भरत मुनि जी के द्वारा, ये पूरा नाट्य शास्त्र अपने इस दुनिया में आया, और नाट्य का जो शास्त्र है, नाट्य मतलब सिर्फ डांस नहीं होता, इट कंसीडर ऑल, जब हमारा पूरा कला होती है उसमें, स्कल्पचर हो गया, थिएटर हो गया, जिस फील्ड में लोग नहीं जाना चाहते हैं, वो नाट्य इज एवरीथिंग, कला यानी नाट्य है, हो जाता है। तो वो शास्त्र के पकड़ के, ऐसा नहीं कि सिर्फ भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम के अलावा भी बहुत सारे जो क्लासिकल डांस है वो सब डांस, सिंगिंग, ड्रामा, हर चीज़ नाट्य शास्त्र है। बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों ने खुशी, आपने इतना सारा वक्त दिया हम लोग को, और अपने नाम को आप सार्थक कर रही हैं, अपने नाम को सार्थक कीजिए, समय दिया इसके लिए धन्यवाद। नरेंद्र भावी भी हमारे साथ में, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।